गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, अभी हम लोग लेसन 18 वन एट ए टाइम एक्सरसाइज वन का एक क्वेश्चन बच गया था, उस क्वेश्चन का आंसर देख रहे होंगे। तो क्वेश्चन ई है, आर यू सेटिस्फाइड विद द आंसर द मैन गेव वाई। क्या आप उस व्यक्ति के दिए आंसर से, जवाब से सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं? अगर है तो क्यों है? आंसर होगा Yes, I satisfied with the answer the man gave because we can make the difference to another by helping them. So यहाँ पे him लिखेंगे, him और her. Him और her like the man made the difference for the lying fish on the beach. To give them life. Answer से सहमत इसलिए है क्योंकि हम भी किसी के लाइफ में परिवर्तन ला सकते हैं उनको मदद करके। जैसे कि व्यक्ति ने उन मछलियों को जो समुद्र के किनारे पड़े थे उनको पानी में फेंककर उन्हें जीवन दान दिया, इस तरह से उसने मछलियों के जीवन में परिवर्तन लाया, उसी तरह हम भी किसी के लाइफ में परिवर्तन ला सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 है, बार बार, अगेन एंड अगेन। तो इसका सेंटेंस होगा, आप खुद से भी बना सकते हैं सेंटेंस, बस आपका जो सेंटेंस होगा वो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। तो फर्स्ट है द मैन वाज रिपीटेडली बेंडिंग डाउन, व्यक्ति बार बार नीचे झुक रहा था। नेक्स्ट है अप्रोच मींस पहुंचना, एज आई अप्रोच टू हिम ही आस्क्ड मी वेयर यू वेयर गोइंग। जैसे ही मैं उस व्यक्ति के उसके पास पहुंचा उसने मुझसे पूछा कहाँ जा रहे थे। नेक्स्ट है रियलाइज मींस महसूस होना या एहसास होना, आई रियलाइज माय मिस्टेक। नेक्स्ट है लो टाइड मींस कम ज्वार, देयर इज लो टाइड इन दिस सी नाउ। वॉन्डर मींस सोचना, आई एम वॉन्डरिंग दैट व्हाट यू विल बी डूइंग नाउ। मैं सोच रहा हूं कि तुम अभी क्या कर रहे होगे। तो ये था आपका एक्सरसाइज 1 एंड 2। 2 के कुछ बच गए हैं, एक है मेक डिफरेंस, अंतर बनाना, तो आप इसको बना सकते हैं, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके लिए सेंटेंस बनाएंगे। थैंक यू।